सत्राजीत नाम के यादव थे, सूर्य नारायण की बड़ी पूजा की। सूर्य नारायण ने उन्हें एक मणि दे दी थी जो 52 सोना रोज देती थी। आपको भी चाहिए ऐसी मणि तो सूर्योदय के पहले उठा करें, शरीर की हजारों आधी व्याधि बीमारियां तो ठीक हो ही जाती है ना। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है कलिकाल के। सत्राजीत मणि लेकर के द्वारिका आया। भगवान कृष्ण ने कहा 52 सोना देने वाली मणि राजकोष में खजाने में रखवा दो, क्योंकि कोई चोर या डाकू ले जाएगा तुमसे, इससे जो सोना पैदा हुआ आप ले जाया करो अपना। और सत्राजीत ने क्या कहा पता है? जिसके पास अति पैसा हो जाता है और पैसे का अभिमान होता है, वह कहता कृष्ण तुम बचपन से चोर हो, तुम जरा नजर बचा के रखना, बाकी को मैं देख लूंगा। और एक दिन गड़बड़ हो गया, उसका भाई प्रसेन चमकती मणि पहनकर शिकार खेलने गया, एक शेर ने उसे मार डाला। 3 दिन वो आया नहीं। सत्राजीत के मन में आया कृष्ण ने कहा था इसे सुरक्षित में रख दो और मैंने नहीं रखा, जरूर कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली। अब यह जवानी की कथा है। जवानी में बहन कहेगी मेरा खा गया, भाई कहेगा मेरा पैसा खा गया, कलंक लगने की बहुत जगह है जवानी में। पर आप यदि सही हैं तो किसी की ताकत नहीं है आपको कोई कलंक लगा सके। सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा किसी से कहना मत, एक बात बता ना, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करके मणि ले ली मेरी, पर बोलना नहीं। अब बताओ स्त्री को कोई बात बता दे फिर बोलना नहीं, कोई बात का प्रचार करना तो ये शब्द जरूर दे दिया करो, किसी को बोलना नहीं किसी को। अब तो थोड़ी देर में सारे द्वारिका में हल्ला हो गया, अरे कृष्ण ने उसके भाई की हत्या कर दी, मणि ले ली, ओहो। भगवान को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, मुकदमा चला कृष्ण पर। दाऊ जी ने पूछा मणि कहाँ है, कृष्ण का भैया मेरे पास नहीं है। दाऊ जी ने कहा तुमने पूछा क्यों था सत्राजीत से, लो। दाऊ जी ने कहा जब तक मेरी मणि का पता नहीं लगा मेरे से बात नहीं करना। देखिए कितना प्यारा भाई है दाऊ, लेकिन मणि कह दो बाबूजी, चाहे मणि 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 कह दो चाहे मणि कह दो, भाई का भाई से, बाप का बेटे से, परिवार का परिवार से विश्वास उठा देती है। दाऊ जी नाराज हो गए। घर आए तो रुक्मणी जी ने कहा मुझे तो बताई दो मणि कहाँ। भगवान ने कहा मुझे पता नहीं, कहा मुझसे भी छुपाते हो आप। आखिरी में भगवान वन में गए, शेर मरा पड़ा, प्रसीन मरा पड़ा, पर मणि नहीं मिली। शेर को मारकर जामान जी उस चमकती मणि को, राम अवतार के जामान देते थे जंगल में, मणि को अपनी गुफा में ले गए और अपनी बेटी जामवती को खेलने दे दी। अब जामवती तो उसे गेंद समझ कर फेंक रही थी। भगवान दोस्तों के साथ गए, शेर मरा पड़ा, प्रसीन मरा पड़ा, लेकिन दोस्त बोले हम गुफा में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसने इनको मारा कितना बलवान होगा वो। कृष्ण ने कहा चलो भाई, सबने मना कर दिया। आज भगवान को वृंदावन की याद आई कि अघासुर के मुंह में मैं जा रहा था। ग्वालों ने कहा नहीं लाला, पहले हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कृष्ण हजारों ग्वाले तैयार कर सकता है, पर हजारे ग्वाले एक कृष्ण तैयार नहीं कर सकते हैं। भगवान के आज समझ में आ गई कि दोस्ती कर साह से, कंजड़ से है निभती नहीं, अरे सोने का रंग कुछ और है, पीतल की भू छुपती नहीं। दोस्ती भी तो ढंग से, सब चले गए दोस्त लोग, भगवान अकेले गए। जो ही मणि उठाई जामवती चिल्लाई, अब जामवान ने आओ देखा ना ता धावा कर दिया कृष्ण। 27 दिन तक कृष्ण जी का युद्ध चला है। पहले तो 7 दिन मुक्का, फिर 7 दिन तलवार, फिर 7 दिन गदा युद्ध, 27 दिन। क्यों? क्योंकि रामावतार में जामवान महाबली थे, जामावतार में वो बूढ़े थे। जब राम जी ने रावण को मारा तो जामवान जी नाराज हो गए,
कि हमारे जैसे के रहते हुए आपने रावण को मारा, राम हमारी ताकत पर आपको भरोसा नहीं तो एक बार आओ मैदान में। भगवान राम ने कहा मैं भक्तों से नहीं लड़ता हूँ, और जामवान जैसा बलवान हमारे विश्व में कोई हुआ नहीं। आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं, बलि बांधो, जब बलि राजा को भगवान ने बांध कर सात लोक नापे थे ना, जब तक नापे थे तब तक जामवान जी ने विश्व की सप्त प्रदक्षिण की, सात प्रदक्षिणा कर ली थी जब तक भगवान नापते, पूरे ब्रह्मांड की 2,00,000-4,00,000 किलोमीटर के हिसाब से, कि 50,00,000 किलोमीटर के हिसाब से चला वो व्यक्ति, सोचो सप्त प्रदक्षिण की। आज भगवान ने देखा कि अब लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए, इसकी भी अब ताकत जवाब दे रही है। भगवान ने धक्का मारा, जामवान गिरा और भगवान ने अपना रूप बदल दिया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता शमारोपितवाम भागम। राम आप? भगवान ने कहा मैं कृष्ण अवतार लेकर आया हूं। तो नारायण इतने दिन लड़ते क्यों रहे? क्योंकि तुमने कहा था मेरे लड़ने की मन में है, मैं मेरे भक्तों की मन की कैसे रख सकता हूं। उसने कहा प्रभु मेरा तो एक 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 बात और थी। कहा क्या? कहा आपने जब सीता के लिए युद्ध किया, ब्रह्मांड में राम रावण जैसा युद्ध नहीं हुआ आज तक। लोगों ने कहा राम जी और कितनी सीता आ जाएगी, क्यों झमेला ले रहे हो रावण से, छोड़ो। पर आपने कहा नहीं, भारतीय नारी पर हाथ उठाने वाले रावण, 1,00,000 बेटा 1,25,00,000 नाती, उस रावण के घर में दीवाना बाती, दीवा जलाने वाला कोई नहीं रहा, इतना भयानक युद्ध एक सीता के लिए। जामवान ने कहा मेरे मन में आया कि भगवान मुझे बेटी दे तो मैं राम से ब्याहूंगा, जिसकी इतनी रक्षा की, कोई है इतना बड़ा युद्ध करने वाला। राम ने जानकी जी से जैसा प्रेम किया कौन करेगा दुनिया में प्रेम। तत्व प्रेम मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रियजनों, जामवान जी ने कहा आज लड़की भी जवान है मेरी और दुल्हा भी घर बैठे आ गया है, ये मणि तो ले जाओ साहब पर जाम्बती को भी ले जाओ। और उसी समय जाम्बती के साथ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ये दूसरा विवाह किया ठाकुर जी का।